हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले गोल्ड गिनी के जुलाई अगस्त फ्यूचर्स करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं और आपको यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम फेज जो है वो आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। सो जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि हम यहाँ पर एक प्रीवियस डे का एक अच्छा सा यहाँ पर लो प्राइस लेकर और करंटली जो प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि अगर आपको एकदम सेफ ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको कौन कौन से प्राइस लेवल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऑन एन इंट्राडे पोजीशंस राइट नाउ। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले 15 मिनट की यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, उसके ऊपर ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे कि आपको कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो हम फॉर पर्टिकुलर टाइम भी हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हो कि बहुत अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर आपको यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एट डाउन या बॉटम लेवल के अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये जो प्राइस लेवल है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 38,282 या फिर 38,280 का जो प्राइस लेवल सपोर्ट है डाउन साइड के अंदर वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर अगर फिर से अगर आपको आते हुए देखने को मिलती है कैंडल्स तो आपको यहाँ पर रेडी देना है कि अगर इसको ब्रेक करते डाउन साइड के अंदर तो यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजिशन बतानी है। अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा सा फिर से बुलिश मूवमेंट बनता है तो आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन कवर करनी है। 80, 100, 120 तक की जो पॉइंट्स के टारगेट्स होंगे वो आपको अपने आराम से देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या, करंटली जो पोजीशन पे यहाँ पर डेट इज गोल्ड गिनी के जो फ्यूचर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो काफी अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे डेट इज आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला। डेट इज यहाँ पर आके ब्रेक हुआ है, सेकेंड टाइम भी ब्रेक हुआ है, एज वेल एज थर्ड टाइम। अब यहाँ पर बोल नहीं सकते कि ये 15 मिनट की टाइम कैंडल जिस तरह से बनती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ लेस रिस्क के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ द अगर यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है तो आपको डेट इज आर वन आराम से यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देखने को मिलता है टारगेट, एज वेल एज आर टू एज वेल एज आर वन के बीच का जो टारगेट डेट इज अराउंड 38,440 का जो टारगेट होगा अपसाइड डायरेक्शन के वो भी आपको यहाँ पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पर बुलिश मोमेंटम क्रिएट होते हुए आपको पहले से मिला तो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई के अंदर भी अच्छा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर था, बट यहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम फिर से आपको बनते हुए देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर अपसाइड डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। एमएसडी ने हमें हालांकि और इन इंट्राडे लेवल अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया, बट फिर भी अगर आप इस सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस के बीच में भी अगर आप प्ले करते हो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो मेरे हिसाब से आपके चांसेस होंगे कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो आपको कम जरूर मिलेगा, बट जो चांसेस ऑफ प्रॉफिट वो आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप एकदम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको एमएसडी का जो सिग्नल है उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।